रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो है आपका नया सबक स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरह करते हैं कि पहले की तरह जैसे थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ। अलिफ बे जीम दाल रे सीन। बहुत एहतियात से, सुकून से, मोहब्बत से आपने पूरी कोशिश करनी है अपनी हैंड राइटिंग को खूबसूरत बनाने की पूरी कोशिश करनी है। तो अलिफ बे जीम दाल का सबक पहले मुकम्मल हो चुका है, तो अब हम ऐसा करेंगे कि आज का हमारा अगला टॉपिक जो है वो रे के मतलब है। तो रे जब हमने स्टार्ट करनी है, तो जो बिगनर्स हैं स्टार्ट, जिन्होंने अभी नया नया सीखना शुरू किया है, तो वो ऐसा करें कि वो ऐसे कत जो है वो ये दो कत बना लें, और निचला जो उसका हिस्सा है उसके लिए डेढ़ कत, ये ऐसे। और फिर यहाँ कलम की नोक के साथ आपने इसको स्टार्ट करना है ऐसे, ये देखें। ये जब तक जो आपका हाथ रवान ही ना होता, प्रॉपर काम करना नहीं शुरू करता, तब तक आप साथ बेशक इसके ये कत नापते रहें। कत नापने से ये होगा कि आप बहुत बड़ा या बहुत छोटा लफ्ज़ नहीं बनाएंगे, जो कत है उसके मुताबिक बनेगा और उसमें खूबसूरती ज़्यादा होगी, ये देखें। और जब आपका हाथ चल जाए तो फिर आप बगैर कत के बनाएंगे, वो उसी साइज़ में ही बनेगा। आपकी प्रैक्टिस जो है ना, जब वो कामिल हो जाएगी सही, तो फिर आपने ऐसे करना है, ये देखें मैं आपके सामने कर रहा हूँ, और बड़े आराम के साथ आप करें, सुकून के साथ, मोहब्बत के साथ, ये देखें। जितना आप दिल लगाएंगे, जितनी मोहब्बत से काम करेंगे, उतना ही आपके हाथ में सफाई आएगी, ये देखें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी तादाद में लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, उतनी जल्दी आपके हाथ का जो परफेक्शन है वो मजबूत होती जाएगी। जितने व्यूअर्स चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और लाइक कर दें, और किसी किस्म का कोई कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, कोई सवाल करना हो कोई, ये देखें। यह आपका आज का चैप्टर मुकम्मल है। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।